अच्छा लास्ट क्लास में हम लोगों इंडिकेशन का अभी तक सारा फॉर्मूला जो नया फॉर्मूला है व्हाट एवर द फॉर्मूलाज आर प्रेजेंट इन इंडिकेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दोस फॉर्मूलाज अब उसका एप्लीकेशन के बारे में नया एप्लीकेशन कैसा करेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम में कौन सा प्रॉब्लम में कैसा अप्लाई करेंगे कुछ प्रॉब्लम अभी उसका तुम लोग का लास्ट क्लास में तुम लोग देख रहे थे तो साइन और कॉस रहेगा तो उसमें क्या करेंगे डिनोमिनेटर में और दोनों ऊपर नीचे साइन कॉस रहेगा तो उस केस में कैसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हियर यू सी वन प्रॉब्लम स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 3yx * dx 2x + 3 इट्स स्क्वायर रूट / x * dx अब देखो अभी तक हम लोग जनरली क्या करते थे इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल है उसका अंदर है उसी को ही हम टी सब्स्टिट्यूशन करते हैं और उसके बाद वो फॉर्मूला में फिट होता है तुम्हारा एंड वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दैट यहां पे किसको लेंगे टी कुछ नहीं होने वाला किसको लेंगे बोलो टी अब ये 2x + 3 को टी लेंगे तो उसका डेरिवेटिव 2 है फिर ये x को क्या करेंगे तो इस केस में क्या करोगे 2x + 3 यू टेक इट एज t स्क्वायर क्या लोगे तो 2 into dx दिस विल बी व्हाट 2t dt 2 कैंसिल dx का वैल्यू कितना आया तुम्हारा dt ठीक है अब ये क्या हो गया तुम्हारा 2x + 3 t स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आया t dx का वैल्यू कितना आया t dt by what x x is what t square minus 3 by what 2 or this can be written as what ye kitna ho jayega abhi 2 t square dt by what t square minus 3 its integration ab ye dekho simple integration mein dheere dheere convert ho gaya isko kya karenge hum ye 2 se humko koi matlab nahi hai you keep it outside isko bahar mein rakho इसे क्या मतलब क्या करेंगे वो कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगा कोई परेशानी वाला चीज है नहीं कांस्टेंट क्वांटिटी को हम लोग एज इट इज स्टेच्यू का काम करेगा वो कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है उसका ये जो t स्क्वायर dt है इसको एक्सप्रेस करेंगे t स्क्वायर - 3 + 3 / t स्क्वायर - 3 * व्हाट ठीक है समझ में आया कि नहीं t स्क्वायर - 3 + 3 जब इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो गया 2 t स्क्वायर - 3 / t स्क्वायर - 3 व्हाट इज इट्स वैल्यू ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहां क्या बचे तुम्हारा अब नहीं उसका नेक्स्ट में कितना 2 * 3 दैट इज व्हाट 6 एंड हियर इट इज व्हाट dt / t स्क्वायर - 3 और यू कैन से इट इज रूट 3 का ये क्या हो जाएगा आइए दोनों फार्मूला में सो व्हाट इज इट्स वैल्यू 2 * dt का इंटीग्रेशन है t + 6 dx / x स्क्वायर - x स्क्वायर क्या है 1 by 2 a ln x minus a by x plus a. So here it is 1 by 2 root 3 ln t minus root 3 by what? T plus root 3 plus what? C. 2. So what will be its value? 2. What is the value of t? 2x plus 3. 2x plus 3. You put this value 2x plus 3. Here it is 3 by root 3. Yes, 2x plus 3 ka square root hai. Matlab 2 to the power half hi mein. And here it is root 3 ln 2x plus 3 ka root over minus root 3 by 2x plus 3 root over plus root 3 plus what? C. Clear? Samajh mein aaya? तो यहां पावर कितना है 1 by 2 इसलिए इसको क्या किए t स्क्वायर अगर पावर 1 by 3 रहता तो क्या करते t क्यू लेते अगर पावर 1 by 4 रहता तो उसका पावर कितना लेते t 4 लेते समझ में आया कोई डाउट है ओके यू कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां पे तुम्हारा पावर चेंज मिलेगा तुमको हियर सपोज वन प्रॉब्लम इज देयर x * 3x + 2 टू द पावर 1 by 3 x 3x plus 2 to the power 1 by 3 dx. देखो यहाँ पे पावर कितना है? 1 by 3 t किस किसको लेंगे? Then what is 3x plus 2 को क्या लेंगे? t cube. तो यहाँ पे ले लो 3x plus 2 तुम्हारा आया कितना? t cube. What is derivative? 3 dx. This will be what? 3 t square 3 t. 3 3.
So what is the value of x? X ka value aayega t cube minus 2 divided by what? 3. Alright, right? 3x ka value t cube minus 2, x ka value t cube minus 2 by 3. Koi doubt hai isme? Then what is its value? Iska value kitna aayega tumhara? T cube to the power 1 by 3. That will be t. Then dx ka value kitna hai? What is the value of dx? T square dt. Samajh mein aaya? Koi doubt hai? Ab isko multiply karte hai. To ye ho gaya 1 by 3 to be outside. TQ, T to the power 6 dt in dsn minus 2 T cube dt in dsn. What will be its value? 1 by 3. This will be t to the power 7 by 7 minus 2 t to the power 4 by 4 plus what? C. Here it will be cancelled. So, isko agar andar le lenge, to kitna aa gaya finally? 3 by 7 t to the power 7. What is the value of t? T kitna hai? 3x plus 2 to the power 1 by 3. So, yahan pe kya lenge? 3x plus 2 to the power 7 by 3. 1 by 3 ये 1 by 3 है, इसका पावर क्या है? तो टोटल कितना हुआ? बस तू 1 by 3 पे है, पढ़ के ये प्रॉब्लम कर तू रोगा तुम्हारा माइनस t to the power 4 that is what? 3x plus 2 to the power 3x plus 2 to the power how much? 4 that is 4 by 3 plus वो कटे तो रहेगा उसको कोई जरूरत नो टेंशन कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है वो रहता है उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम बट बाकी फॉर्मूला उंगला ठीक है बाकी ये सब चलते रहता है उसका हो गया क्लियर सो नेक्स्ट इज योर अनदर प्रॉब्लम दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम dx by root x minus root cube x ये एक अच्छा प्रॉब्लम है dx by root x minus root cube x. अब यहां देखो ये कंफ्यूज पैदा किया ये देखो root x पावर कितना है हाँ root cube x पावर कितना है 1 by 3 अब t square लेंगे तो प्रॉब्लम t cube लेंगे तो प्रॉब्लम तो दोनों को मिलाओ दोनों का LCM कितना आता है 6 तो इसलिए डायरेक्ट ले लो t cube पर 6 ठीक है तो x को वैल्यू कितना लेंगे t to the power 6 ठीक है when you are taking x as t to the power 6 what is the value of dx dx कितना आया 6 t to the power 5 into dt तो ये कितना हो गया अभी dx का जगह पुट किया 6 t to the power 5 into dt and here root x ये बन जाएगा कितना t cube minus root cube x that is t square तो कितना आया ये 6 t to the power 5 dt by t square you are taking common t minus 1 so ये t square cancel हुआ इससे q so what is the final value you are getting 6 t cube by what t minus 1 into what dt ठीक है कोई doubt है इसमें अब क्या करेंगे जो t minus 1 है इसको ले लो कुछ भी ले लो v ले लो u ले लो whatever you want to take तो यहाँ पे t minus 1 को ले लिए v तो dt कितना हुआ dv अब चेंज करो ये हो गया 6 t cube that will be v plus 1 whole cube by what v this is what dv 6 in you tell me what is the value of a plus b whole cube 10 पे आ जाओ हैं अब 10 स्टैंडर्ड पे आ जाओ तुम्हारा फार्मूला पीछे छोड़े नहीं तो इसीलिए तुम लोगों उसी हिसाब से प्रिपेयर करो तो a plus b का होल क्यूब दैट इज व्हाट a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square और जो जैसा याद करता रहे a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube और a cube plus b cube plus 3ab into a plus b तो जैसा तुम लोगों को रटे हो सवेरे उठ के वो सही थी वहां तो रटे हो ना बताया मुझे तुम लोग इसको रटते रहो कुछ नहीं होने वाला है रटने से यू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाओ हमेशा फार्मूला को जितना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाओगे उतना परमानेंटली वो स्टोर हो जाएगा ओके
ठीक है देखो ये क्या हो गया v क्यू प्लस 3v स्क्वायर प्लस 3v प्लस 1 by v into what dv clear so what will be its value now it will be 6 v cube by v that is v square dv plus 6 3 18 here it is v square by v that is v dv plus 6 3 18 v and v cancel so that is 18 into dv plus 6 by v or 6 you keep it outside it is 1 by v dv Complete. ये तुम्हारा कौन सा एक्सरसाइज पे पहुंच रहे हम लोगों फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रॉब्लम जैसा था वैसा प्रॉब्लम मिला हमको लास्ट में कि नहीं इतना मेहनत किया लास्ट में देखो क्या मिला तो ये कितना हुआ सो इट विल बी 6 v cube by v plus 18 v square by 2 plus 18 v plus 6 log v plus what c और VQ by 3 ये भूल गया ठीक है चलो याद दिलाया थैंक यू V square by 3 है था मैं भी पुट कर दिया सो तुम सोच रहे थे इतना देर के साथ सो 3 here is 2 सो 2 VQ what is the value of V T minus 1 what is the value of T x to the power 1 by 6 So, x to the power 1 by 6 minus 1 to the power what? Here it is 9 x to the power 1 by 6 minus 1 ka plus 18 x to the power 1 by 6 minus 1 plus 6 ln x to the power 6 minus 1 plus c. This is your answer. Okay? Is that okay? Next, you complete. और एक प्रॉब्लम देखो ये सब इजी है इंटीग्रेशन बहुत इजी लगने लगता है उसके बाद फिर आएंगे हम लोग पर या अभी इंडेफिनेट में चल रहे हैं इसके बाद आएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल आएगा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व आएगा देन सबसे इंटरेस्टिंग लास्ट में जो आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन सारा जितना ज्ञान तुम लेके आए हो वो झोली में डालना है लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारा उसी से आएगा अब वही तुम्हारा एबिलिटी का टेस्ट भी करेगा है हाँ बस तुम लोग उसको अभी बाद में इसका बारे में बात करेंगे ओके नेक्स्ट योर सपोज हियर x प्लस 2 इनटू x प्लस 1 टू द पावर 1 बाय 4 x प्लस 2 इनटू x प्लस 1 टू द पावर 1 बाय 4 इनटू dx ठीक है सो हियर x plus 1 you are taking as what? t to the power how much? 4 so dx kitna ho gaya? 4 t cube into what? dt so ye kitna ho gaya abhi? x plus 2 t to the power 4 minus 1 x plus 1 to the power 1 by 4 x plus 1 ko t to the power 4 liye to ye kya aa gaya? t dx ka value kitna hai? 4 t cube dt khatam hai integration कितना है ये 4 t to the power 8 dt minus 4 t to the power 4 dt what will be its value 4 t to the power 9 by 9 minus 4 t to the power 5 by 5 plus what 6 so what will be its value so this will be 4 by 9 t to the power 9 t is what x plus 1 to the power 1 by 4 means 9 by 4 minus 4 by 5 x plus 1 to the power what 5 by 4 plus what 6 clear कोई doubt है इसमें तो ये problem अभी कुछ problem हम लोग करेंगे तुम लोग करोगे मतलब जितना तुम लोग को और फिर next class में और भी जो जो तुम्हारा जहां जहां trick use हो रहा है वो सब का बारे में क्लियर उसको खाली तुम लोगों उसको ऊपर फोकस करो उसको उसमें से सीखने का कोशिश करो यू विल गेट द ट्री मतलब तुम्हारा इंटीग्रेशन में कभी गलती होगा ही नहीं ओके okay?